ये है दिल्ली दर्पण। साउथ के सुपरस्टार और राजनेता रजनीकांत ने कहा कि वो देश में शांति बनाए रखने के लिए कोई भी भूमिका निभा लेंगे। उनकी ये प्रतिक्रिया एक मुस्लिम संगठन के कुछ नेताओं से मुलाकात के बाद आई है। दरअसल रजनीकांत ने एक ट्वीट में कहा है कि वो मुस्लिम संगठन की उस बात से सहमत है जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी देश का पहला उद्देश्य प्यार, एकता और शांति कायम करना होना चाहिए। दिल्ली हिंसा और CAA को लेकर सुपरस्टार रजनीकांत ने रविवार को अपने घर पर तमिलनाडु जमात उल उलेमा सबाई के सदस्यों से मुलाकात की। पिछले दिनों रजनीकांत ने दिल्ली हिंसा पर केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया था और कहा था कि ये निश्चित तौर पर खुफिया तंत्र की विफलता है और इस वजह से गृह मंत्रालय भी हिंसा को रोकने में नाकाम रहा। दिल्ली दर्पण TV के लिए खुशबू शर्मा की रिपोर्ट।